सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन की शुरुआत हो गई है। तालिबान की तरफ से सरकार का गठन भी कर लिया गया है। इधर दुनिया भर में तालिबान को लेकर तरह तरह की चिंताएं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सबके साथ इंसाफ करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान एक अलग देश है, जो वहाँ पर आए हैं उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है। उम्मीद करूंगा कि वे सभी से इंसाफ करेंगे और इस्लामी उसूल पर अच्छी हुकूमत चलाएंगे। उन्हें हर मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब्दुल्ला के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह ने अब्दुल्ला के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तालिबान लोगों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उसका ही पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला सिर्फ उन्हीं देशों में सेकुलरिज्म चाहते हैं जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां पर इस्लामिक नियम चाहते हैं। बताते चलें कि मंगलवार को अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल में अमेरिका नीत गठबंधन और तत्कालीन अफगान सरकार के सहयोगियों के खिलाफ 20 साल तक चली जंग में दबदबा रखने वाली तालिबान की शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है। इसमें वैश्विक स्तर पर आतंकी नामित किए गए हक्कानी नेटवर्क के एक नेता को गृह मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने काबुल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नई इस्लामिक सरकार में संगठन की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी सूरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सांसदों ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने की तालिबान की घोषणा पर घोर आपत्ति जताई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने की मंगलवार को घोषणा की। इस सरकार में शामिल एक सदस्य का नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल है। रिपब्लिकन अध्ययन समिति ने कहा कि मूर्ख मत बनिए, तालिबान सरकार में कुछ भी अधिक उदारवादी नहीं है या आतंकवादियों के द्वारा और आतंकवादियों के लिए सरकार है। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।